नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर पेट केयर होम पर। मेरा नाम है कुंवर चौहान। दोस्तों आज मैं बात करूंगा डॉग की उल्टी के बारे में, मतलब वोमिटिंग के बारे में, कि वोमिटिंग रोकने के लिए हम घर पर क्या कर सकते हैं, वो भी घरेलू उपाय। तो दोस्तों बगैर देरी करे हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है। दोस्तों उल्टी होने का रीजन क्या होता है, क्यों होती है डॉग को उल्टी। दोस्तों सबसे पहला, अगर आपने उसे कुछ भी, मतलब पत्थर, कंकड़, मट्टी, गोबर या घास खा लिया तो उसके कारण भी उल्टी होती है। अगर आपने तला, मिर्च, मसाला कुछ दे दिया तो उससे डिहाइड्रेशन होता है जिसके कारण भी उल्टी होती है। तो दोस्तों उल्टी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों उल्टी रोकने के लिए ये वीडियो तैयार की जा रही है। दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अपने डॉग को पराठा दे दिए, जो घर पे तलते हैं, हम आधा टुकड़ा भी दे दिए, अब वो उसे हजम नहीं कर पा रहा है कि नहीं। अब उसमें तेल का बनाया है आपने पराठा या घी का बनाया है वो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन तेल डॉग को नुकसान करता है जिसके कारण डॉग उल्टी कर देता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग आइसक्रीम दे सकते हैं। कब देना है, मतलब आपने उल्टी कर लिया है, आपने रोक दिया बिल्कुल, शाम तक कुछ भी नहीं देना है उसे, कुछ भी नहीं, ना दूध देना है, ना पानी देना है, ना कुछ देना है, सिर्फ ओनली आइसक्रीम देना है, वो भी कटोरी वाली जिसे वनेला के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा जो उसको जलन हुई है पेट में, जो उसके गले से जो निकला है उसमें राहत पहुंचेगी। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अगर हो सके आसपास आपके अगर डॉक्टर की डॉक्टरी क्लिनिक है, डॉग क्लिनिक, तो आप उधर पर ले जाके उसका इलाज भी करवा सकते हैं। नहीं तो आप लोग 2 से 3 दिन तक आइसक्रीम खिलाकर उल्टी ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी उल्टी के बारे में, कि वो उल्टी कैसे होती है। दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए आपने इंजेक्शन नहीं लगवाए, पार्गो डिजीज की बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगवाए, कौन से 7-in-1, 10-in-1, 9-in-1 और रेबीज, ऐसे मतलब 3-4 प्रकार की जो वैक्सीन आती है, अगर आपने नहीं लगवाए हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका डॉग खून की उल्टी कर दिया, अब खून की उल्टी कर दिया तो आप लोगों के तो कुछ समझ में आना है नहीं, आप बोलोगे यार अब क्या करा जाए, इसे क्या हुआ है। तो दोस्तों इसे पार्गो डिजीज भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपने लगवा लिया उसके बाद भी ब्लड आ रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम अंदर की है, मतलब क्या, कौन सी प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है ना, जिससे सलाइवा बनता है, लिक्विड आता है, मुंह से फंसूकर आता है, फिर उसके बाद उल्टी होती है, उल्टी करते करते इंट्रोस्टेंटन जो गले का रहता है वो छिल जाता है, जिसके कारण भी ब्लड आता है इंजेक्शन लगने के बाद। अब इंजेक्शन, सपोज इंजेक्शन नहीं लगे हैं तो आप इस चीज को तो मान के चलिए कि उसे पार्गो हो गया है और उसको इंजेक्शन नहीं लगवाने की वजह से ये चीज हुई है। अब इसमें क्या करा जाएगा, आप इसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो कम से कम 7 दिन तक ड्रिप लगेगी जिससे वो ठीक होगा, और ठीक भी मतलब 50-50 चांस रहते हैं इसमें पार्गो के केस में। दोस्तों मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, तो आप लोग इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे कुछ नहीं, बस केयरिंग करें, सफाई से रखें, बिल्कुल भी गीला ना हो पाए हो, जैसे कि पॉटी, उल्टी, पतली पतली निकलेगी, स्मेल भी बहुत आती है, तो इस पे क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक गर्म पानी करना है, हल्का सा गुनगुना हो जाए तो एक कपड़ा नचोड़ के उसकी पूरी बॉडी को पोंछना है, ना कि नहलाना है। नहला देंगे तो हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, जिसके कारण डॉग को भारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गई होगी दोस्तों, और वीडियो बहुत लेट आई है इसके लिए दोस्तों बहुत क्षमा याचना, और कल होली है इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।